हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रेंसी के एक्सरसाइज 9B के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 9B का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ABCD एक स्क्वायर गिवन है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और APB एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है और ABB क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको प्रूफ करना है कि APD मतलब ये जो ट्रायंगल देख पा रहे हो वो इस BPC के कॉन्ग्रेंट है, मतलब हमको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट करना है। और दूसरा चीज़, ये जो ट्रायंगल DPC देख पा रहे हो ना, DPC ये ऊपर का जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के हर एक एंगल्स को फाइंड करना है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमेशा यही सोचना है कि जब भी आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो हम कौन सा पोस्टुलेट्स लगा सकते हैं। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या इक्वल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड का लेंथ तो इक्वल होगा, पॉइंट नंबर 1। और ये साइड इस साइड के भी इक्वल होगा, ये साइड इसके भी इक्वल होगा और ये साइड इसके भी इक्वल होगा। मतलब ये स्क्वायर है तो उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना। और फिर हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो ये देखो कि इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर देंगे और ये लेंथ को हम इसके इक्वल कर देंगे। और अगर ये एक स्क्वायर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री, और आपको पता होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हमने कॉरोलरी में भी बताया था, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो फिर ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 30। सेम चीज़ इधर भी, ये भी हमारा पूरा का पूरा 90 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो फिर ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 30। तो इसको लिखते हैं, ओके। सो कैसे स्टार्ट करें आपको सोचना होगा। एन स्क्वायर ABCD, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर ABCD। AB is equals to BC is equals to CD and it's equals to AD. आप यहाँ पे लिखोगे एंगल A is equals to एंगल B is equals to एंगल C is equals to एंगल D equals to 90 डिग्री। और फिर नाउ इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में AB equals to AP is equals to BP हो जाएगा और हर एक एंगल PAB का वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल, प्लस इक्वल्स टू एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल APB, ये तीनों ही एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे, ओके। सो नाउ हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DAP, या फिर ट्रायंगल का नाम जो यहाँ लिखा हुआ है APD, ट्रायंगल APD में हम एंगल DAP को क्या बोल सकते हैं, क्या इस एंगल DAP को बोल सकते हैं, ये पूरा एंगल में से ये पार्ट माइनस, तो हम बोल सकते हैं इक्वल्स टू एंगल A माइनस एंगल PAB। और एंगल A तो हमने फाइंड किया ना, 90 है, और एंगल PAB कितना है, हमने अभी निकाला था 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, BPC। BPC में हम लिख सकते हैं एंगल CBP। CBP जो है वो क्या होगा, पूरा एंगल B में से अगर हम इसको माइनस कर दें PBA
एंगल पी बी ए माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इतना कर लिए हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर मत लिखना, लिखना इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी बी पी सी है ना, बी पी सी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला पॉइंट ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का साइड्स इक्वल होता है। पॉइंट नंबर टू आप लिख सकते हो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, रीज़न क्या होगा, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स है। और तीसरा अभी हमने फाइंड किया कि ये एंगल 30 डिग्री है और हमने ये निकाला कि ये भी एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो लिख सकते हैं एंगल डी ए पी हमने फाइंड किया था ना, इज इक्वल्स टू एंगल सी बी पी। रीज़न क्या लिखोगे, इक्वल्स टू 30 डिग्री भी लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव। यहाँ पर लिख सकते थे इसको इक्वेशन वन मान लेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी पी और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू। इक्वेशन वन और टू से कंपेयर कर लो ना, ये भी 30 ये भी 30 तो फिर दोनों इक्वल। और फिर उसी चीज़ को हम यूज़ यहाँ कर लिए और यहाँ यूज़ करने का मतलब है हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड से। सो ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी सी और रीज़न क्या लिखाएगा, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। सो दिस इज डन। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ डी पी सी। तो डी पी सी मतलब इसके इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को फाइंड करना है। तो आप पहले फिगर में सोचो उसके बाद वर्किंग बताते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमने बताया था ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये खुद में इक्वल है। और हमने एक कोरोलरी समझाया था कि अगर किसी ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, चूँकि दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, आते हैं। तो अगर हम इस दोनों एंगल्स को x मान लें या इसको भी x कंसिडर कर लें तो फिर x प्लस 30 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स मिलके 180 होने चाहिए। तो 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 150 क्योंकि 180 में 30 माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 75 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, ये हमारा पूरा 90 है, तुमको पता चल जाएगा कि हमारा ये 15 है, तब तो 75 और 15 मिलके 90 होता है। सेम वे यही काम इधर करेंगे, आप देख सकते हो 30 इधर था, इधर भी 30 है, तो ये भी हमारा 75 आ जाएगा, ये 75 आएगा तो फिर ये पूरा 90 है तो ये भी 15 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो हमें दो एंगल्स पता चल चुका है ना, 15 और ये भी 15, तो दो एंगल्स का सम 30 ऑलरेडी आ गया, तो तीसरा 150 होना पड़ेगा, तभी तो 180 आएगा ना एक ट्रायंगल्स में, तो हम फाइंड कर लिया ना। अब हम उसका वर्किंग दिखाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का नाम मेंशन करते हैं ए पी डी। तो ए पी डी ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू ए पी, डायरेक्टली लिख दिया हमने, ठीक है, ए डी इक्वल्स टू ए पी, आप फिगर से भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो ए पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड
आप देख सकते हो कि हमारा ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हमारा ए डी ए पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ए पी भी ए बी के ही इक्वल है और ए डी भी ए पी ए बी के ही इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, ये ए डी और ए पी इक्वल हो जाएगा ना। और जब ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर एंगल, दोनों का अपोजिट एंगल है, ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी डी, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए डी पी, मतलब ये दोनों एंगल्स का सम प्लस ये एंगल डी ए पी, मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और इस दोनों को तो हमने x माना है, तो x प्लस एंगल डी ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा, इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, ये वैल्यू कितना है इसका, 30 है, 30 प्लेस करेंगे सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, सो ये आ जाएगा 150, x इक्वल्स टू 150 अपॉन 2 इक्वल्स टू 75। फिर आप लिख सकते हो सिमिलरली, यहाँ पे पहले लिख दो देयरफॉर एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल ए पी डी इक्वल्स टू 75 डिग्री, जो हमने माना था उसी को एक्स माना था ना। फिर आप लिख सकते हो सिमिलरली क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो सेम 30 इधर भी है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या हुआ हमारा, बी पी सी, इन ट्रायंगल बी पी सी। अब आप क्या लिख सकते हो, बी पी सी ट्रायंगल में भी हमारा एंगल जो है ये वाला बी पी सी और बी सी पी, बी पी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 75 डिग्री हो जाएगा। नाउ इतना जब आप कर लोगे, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं, होप सो आपने यहाँ तक नोट कर लिया, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और अब इसको हम रब करते हैं, और फिर आप यहाँ तक तो कर लिए, तब आओगे नाउ इस प्रोसेस में थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर सिंपल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंगल पी डी सी इक्वल्स टू, पी डी सी क्या हो जाएगा, एंगल डी माइनस एंगल ए डी पी। तो ए डी पी तो हमने फाइंड किया था ना अभी, ए डी पी 75 है, तो एंगल डी हमारा कितना है, 90 माइनस 75 हो गया 15 डिग्री। ऑल्सो एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल पी सी डी कितना हो जाएगा, पी सी डी क्या हो जाएगा, एंगल सी माइनस एंगल बी सी पी, ये पूरे एंगल्स में से बी सी पी माइनस कर देते हैं, तो अगेन 90 माइनस 75 हमने निकाला है ना कि बी सी पी 75 है, तो ये भी हमारा आ गया 15 डिग्री। अब हम उस ट्रायंगल में आएंगे तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी डी सी, इस पी डी सी ट्रायंगल में, या फिर यही लिख देते हैं डी पी सी, एंगल पी डी सी प्लस एंगल ये वाला पी सी डी, तो पी डी सी ले लिया, पी सी डी ले लिया, तो बचा डी पी सी प्लस एंगल डी पी सी इक्वल्स टू 180 होना चाहिए, तो ये दोनों तो 15 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस डी पी सी कितना है नहीं पता, इक्वल्स टू 180, एंगल डी पी सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, 150 डिग्री आ गया। तो हमें एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डी पी सी पता चल गया, देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डी पी सी आर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री एंड 150 डिग्री, और आप सबको सम अप करके भी देख लो 180 आ रहा है। तो इस तरीके से
आप इस क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करोगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन टू का सब पार्ट टू ही है, मतलब वही क्वेश्चन है और सेम चीज़ ही करना है, बस फिगर चेंज कर दिया है। तो APD, ये जो ट्रायंगल है ना APD और ये जो ट्रायंगल है BPC, इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो सेम चीज़ है, हमारा ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये हमारा स्क्वायर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये पार्ट इसके भी इक्वल होगा और ये पार्ट इसके भी इक्वल होगा, और AB, BC, CD और AD ये भी चारों सेम होगा। मतलब ये जो हमने मार्क किया, ये सारे के सारे लेंथ्स इक्वल। और अगर ये लेंथ्स इक्वल हैं तो आप खुद सोचो कि यस, तो हमारा ये ट्रायंगल तो यहाँ पर 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, ठीक है ना, और ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो अगर ये 60, ये 90 और ये भी 60 और ये 90, तो क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? ये भी 150 डिग्री आ जाएगा और ये भी हमारा 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इस ट्रायंगल में, इसको रफली थोड़ा सा बनाते हैं शॉर्ट में समझाने के लिए, जो हमारा ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है और इधर वाला भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इस दोनों ट्रायंगल्स में हम बोल सकते हैं ना कि ये हमारा 150 डिग्री है और ये भी हमारा 150 डिग्री है, और फिर ये जो हमारा लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट, वो इसके इक्वल है। यस, मतलब AP और BP इक्वल है। सेम वे ये स्क्वायर का साइड्स है तो ये पार्ट भी इसके इक्वल है। तो अगेन साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये काम आप खुद से करोगे, हम लिख के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि खुद से करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। हमने एक्सप्लेन कर दिया ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट है। पहला पॉइंट AP BP के इक्वल है, दूसरा पॉइंट AD BC के इक्वल है। आप रीज़न समझ रहे हो, साइड्स ऑफ सेम ट्रायंगल, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों कॉन्ग्रेंसी करने के पहले आप पहले ही डिराइव कर लेना कि ये 90 प्लस 60, ये पूरा एंगल आ रहा है PAD और PBC भी हमारा 90 प्लस 60 आ रहा है। वो पूरा रीज़न के साथ आप खुद से लिखोगे और फिर आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे। और होप सो ये साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। होप सो यहाँ तक डन। उसके बाद प्रूफ करना है ऑल एंगल्स ऑफ, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है DPC। तो ये जो ट्रायंगल है ना, बड़ा सा डॉटेड बनाया हमने DPC, इसके तीनों एंगल्स को फैच आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए आप खुद सोचो कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, उसमें ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो सेम है, और अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो इनके अपोजिट एंगल्स, मतलब इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो आप क्या करना, इसको x मान लेना, इसको भी x मान लेना, और x प्लस ये पूरा तो 150 है, इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स के सम 180 होते हैं ना, तो x प्लस x, हमारा जो 2x आएगा वो 180 माइनस 150 करोगे तो 2x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, और x निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब ये भी 15 आ जाएगा और ये भी 15 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी 15 आ जाएगा। आपको पता है ना हमारा ये पूरा एंगल तो 90 है, अगर ये पूरा 90 है तो उसमें 15 माइनस कर देते हैं तो ये 75 हो जाएगा, और इधर भी हमारा ये पूरा 90 है तो 90 में 15 माइनस कर देते हैं तो हमारा ये भी 75 हो जाएगा। तो अगर एक ट्रायंगल में ये 75 तो ये दोनों मिलके 150 हो गया, तो तीसरा एंगल कितना होना चाहिए ताकि और जोड़ने पर 180 हो जाए, मतलब 30। तो इस तरह से आप पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी करोगे होमवर्क के टाइम पे 9:30 to 10 में, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट दिस। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 9B का, और ये हमारा फिगर गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो QX है ना, ये वाला QX, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
सेम वे कह रहा है आर एक्स जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो एक्सेस है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और एक्स टी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। और आपको प्रूफ क्या करना है, दैट एक्स टी क्यू मतलब ये ट्रायंगल और एक्स एक्स क्यू मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसे प्रूफ करना है। और दिखाना है कि पी एक्स जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए ट्रायंगल पे आएंगे, एन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है एक्स टी क्यू एंड ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल का नाम क्या दे रखा है एक्स एस क्यू, एक्स एस क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से हम एक तो देख सकते हैं कि ये जो क्यू एक्स है क्यू एक्स क्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। कैसे, इसका रीजन होगा कॉमन, फिर नेक्स्ट हमारा है एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल एक्स टी क्यू मतलब 90 डिग्री एक्स टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एस क्यू, ईच 90 डिग्री हो सकता है। और तीसरा ये एंगल की इक्वल होगा क्योंकि हमने अभी कहा कि क्यू एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर, सो एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स क्यू एस, और रीजन क्या लिखेंगे क्यू एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। ये जो क्यू एक्स है वो क्यू को दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट किए, दो पार्ट्स में बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट्स का मतलब ही होता है इक्वली तोड़ा, ठीक है। तो ये देखो एंगल एंगल इधर से एंगल एंगल और साइड से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स एस क्यू बाय एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है कॉन्ग्रेंट हो चुका है। नाउ अब हमारा ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया, अब हमें प्रूफ करना है कि पी एक्स जो है एंगल पी को बाइसेक्ट करता है। अब सोचो कि पी एक्स है तो पी एक्स को कनेक्ट भी करना होगा, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। और कहना है ये दिखाना है कि ये जो पी एक्स है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। तो हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया तो ये इक्वल इसके हो जाएगा, मतलब एक्स टी एक्स एस के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स टी इक्वल्स टू एक्स एस बाय सी पी सी टी। और हम यहाँ से एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने पी क्यू आर एस टी यहाँ पर यू मान लेते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर लिखेंगे एक्स यू इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है। बेनिफिट क्या मिला इससे, हमने इस एक्स टी को एक्स एक्स के इक्वल कर रखा है ऑलरेडी, तो इससे क्या होगा, अब हम जब इस दोनों ट्रायंगल्स में आएंगे तो हमारा ये एक एंगल दोनों इक्वल है, ये बीच वाला कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में, और दोनों में एक एक एंगल 90 हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एक्स एस आर एंड ट्रायंगल एक्स यू आर, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स आर, रीज़न क्या होगा कॉमन। नेक्स्ट एंगल एक्स एस आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स यू आर ईच 90, दोनों 90 हो गया। और तीसरा हमारा ये जो बाइसेक्टर था एंगल एक्स आर एस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स आर यू, क्या लिखेंगे एक्स आर इज बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है ना एंगल आर का, ठीक है।
और यहाँ से हमारा ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाता है. सो ट्रायंगल एक्स एस आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स यू आर बाई सेम चीज़ एंगल एंगल और साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया. और जब यहाँ तक हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर हम सिंपलिसिटी से बोल सकते हैं कि एक्स एस एक्स यू के भी इक्वल है. दिस इम्प्लाइज एक्स एस इक्वल्स टू एक्स यू बाई सी पी सी टी. और ये जो है इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे. एक्स टी को जो हमने एक्स एस के इक्वल किया इक्वेशन वन, एक्स एस को हमने एक्स यू के इक्वल किया ये हमारा इक्वेशन टू. तो फ्रॉम वन एंड टू ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो क्या ये डायरेक्टली दोनों में इक्वल नहीं होगा? यस ऑब्वियसली होगा. तो कहीं ना कहीं हमने इसको इसके इक्वल कर दिया. अब जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में आएंगे जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट किए तो क्या होगा? दोनों में एक एक 90 है और दोनों का ये साइड इक्वल है और एक बीच वाला कॉमन है. मतलब 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है. एक 90 इक्वल है और एक साइड इक्वल है. तो RHS से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. और वंस आप जब इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे दोनों ट्रायंगल को तो CPCT से बोल सकते हैं ना XPT. ये जो एंगल है XPT और ये जो एंगल है XPU, ये दोनों एंगल इक्वल है. और जब ये दोनों एंगल इक्वल है डैट मीन्स फिर आप लिखोगे दिस एम्प्लाइज PX bisects angle P और आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड. तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो फिर हम आगे का पार्ट लिखते हैं. तो हम यहीं पर लिख देते हैं PX bisects angle P, इसी को प्रूफ करना है ना. तो हम पार्ट वो वाला यहाँ पे लिख देते हैं. क्वेश्चन हमने हटा दिया, क्वेश्चन आपके बुक में, आप वहाँ से भी देख सकते हो. लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स टी पी एंड ट्रायंगल एक्स यू पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स पी. रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन. फिर हम लिखेंगे एक्स टी पी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स टी पी इक्वल्स टू एंगल एक्स यू पी. क्या लिखाएगा? ईच 90 डिग्री. और तीसरा हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट एक्स टी इक्वल्स टू एक्स यू. रीज़न क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन एंड टू. मतलब जो हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन है ना ये दोनों को कंपेयर करने से ही आ जाता है. हाँ तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स टी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल एक्स यू पी के. किससे कॉन्ग्रेंट हो गया? RHS से बाई RHS. और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? एंगल XPT मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल XPU के बाई CPCT से हो गया क्योंकि हमने पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया. और फाइनली हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज PX bisects angle P और हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.